करने का प्लान है। तो ये जो डाकू के बीच में दिख रही है शुरू गुड मॉर्निंग। हाल अभी कुछ ऐसा है कि 6:56 हुई है अभी, और अभी मैं बाहर सो रहा हूँ क्योंकि बाहर इतनी ठंडक है कि जैसे एक बार सो जाओ तो फिर सो जाओ। और हाँ, एक बात बोलनी थी, ये लॉकडाउन के बाद मेरा शेड्यूल इतना बदल गया था कि रोज पहले 8 बजे उठता था, लेकिन भाई अभी धीरे धीरे करके 7 बजे तक आया है। अभी धीरे धीरे करके 6 बजे तक उठने का प्लान है, तो धीरे धीरे हो जाएगा। कैसे हो आप लोग? अभी हाल कुछ ऐसा है कि अभी बजे शाम के 4:30 और सामने से धूप आ रही है बहुत सारी, तो इसलिए हमने थोड़ा सेटिंग किया है ताकि धूप अंदर ना आ सके इसलिए। और वो जुगाड़ ऐसा किया है, देखो ये जो दो खटिया है वो खड़ी कर दी है हमने ताकि ये जो सामने से धूप आ रही है ना वो धूप यहाँ पर आ ना सके इसलिए। अभी 4:30 इसलिए धूप इतनी ज़्यादा है, इतनी धूप में देखो गर्मी भी उतनी ज़्यादा लग रही है। और इतनी गर्मी में पीछे हमारे घर पे गेहूं आए थे इस रविवार को, तो हाल कुछ ऐसा है कि हमें गेहूं साफ़ करने हैं। वैसे बहुत सारे गेहूं थे वो तो मम्मी ने साफ़ कर दिए, अभी एक ही बड़ा थैला बाकी है तो वही साफ करना है। और ये मेरी मम्मी है, ये जो डाकू के बीच में दिख रही है वो मम्मी ने दुपट्टा इसलिए बांधा है क्योंकि ये इसमें जो कचरा होता है वो कचरा वो कचरा उड़ता है, तो वो कचरा उड़े ना और नाक में और मुंह में ना जाए इसलिए कोरोना हो गए क्या कोरोना और वो कचरा उड़े तो वो गले की खारिश और वो सब प्रॉब्लम होते हैं, तो वो प्रॉब्लम ना हो इसलिए मम्मी ने दुपट्टा बांधा है। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। तो हाल कुछ ऐसा है, गर्मी खत्म। 6:16 हो गए, मतलब 4:30 से मैं बैठा था यहाँ पर, गेहूँ मैं साफ़ कर रहा था। ये बैक पेन और ये नेक पेन तो ऐसा हो गया ना, मतलब जो गेहूँ साफ किए है अब वही गेहूँ का सपोर्ट लेके अभी यहाँ पर मैं बैठा हूँ क्योंकि बैक पेन और नेक पेन हो ही गया है ऐसा। गेहूँ साफ करना मतलब उतनी आसान चीज़ नहीं है। गेहूँ साफ करने के बाद इतना कचरा ही मैंने निकाला है। क्या कर रहा है? कुछ नहीं, छोटे भाई को सेंडल। बंदर तो आज अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ छत पर क्योंकि छत बहुत काले काले बादल छाए और मौसम भी बहुत अच्छा है और ठंडी ठंडी हवा आ रही है, इसलिए टाइम लैप्स लेने के लिए ऊपर जा रहा हूँ। ठीक है, हो गई है थोड़ी बहुत सारी हो गई है।
ये चुंदा यहाँ ऊपर रख के गया था, अच्छा हुआ याद आ गया, वरना क्या करता। बाप रे बाप। लाइट भी गई, लाइट भी चली गई, इतने मतलब कुदरत के कहर से। ओ हो क्या आवाज़ कर रही है। और थोड़ी देखना, थोड़ी देर बाद आवाज़ होगी। देखा, वैसे एक बात आपने नोटिस की कि पहले बिजली होती है और बाद में वो गरजने की आवाज़ आती है, वो क्यों पता है आपको? जिसको पता हो वो कमेंट कीजिएगा, ठीक है? वो मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊँगा। अंजू पूरी भीग गई, नहा लिया। मम्मी गई। अभी भी देखो ये मुझे पसीना आ रहा है। उस टाइम जब मैं गेहूँ साफ कर रहा था तब भी मुझे पसीना आ रहा था, क्योंकि आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी और अभी गर्मी है तो है, अब क्या करें। तो अभी मुझे नहाना है क्योंकि ये पूरा बॉडी मेरा पसीने से लथपथ हो गया है आज, तो इसलिए आज मुझे नहाना पड़ेगा। है ना, ये दो कमरे वो बंद होने का नाम ले रही है अभी, क्योंकि 11:30 ऊपर हो गए, 12:15 बज गए, मतलब सोते सोते 12:15 या 12:30 बज जाएंगे, इसलिए फटाफट नहा लेता हूँ और नहा के सो जाता हूँ, ठीक है? तो फिर मिलेंगे नए व्लॉग में, तब तक के लिए जियो अपने अंदाज में, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और प्यार बांटते रहो, और अपने बिज्जू स्टाइल में मौज करो आप जो। और हाँ, एक बात और बोलनी थी, जब मैं नहा रहा था तो मेरे माइंड में एक बात थी कि मैं आपको बताऊँ कि नहीं बताऊँ, बताऊँ कि नहीं बताऊँ, ऐसा मन में हो रहा था, मन में हो रहा था, माइंड में भी हो रहा था। फिर मैंने सोचा चलो बता ही देते हैं। जब मैं और मेरे पापा गेहूँ लेने जा रहे थे तब एक ट्रक वाले के ट्रक के पीछे एक खूबसूरत कोटेशन लिखा था, और वो कोटेशन ये था कि साथ क्या लेकर जाना है। इधर छू गया यार, क्या लेकर जाना है, साथ क्या लेके जाओगे।